अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे पंडित जनों, आज आपने मेरी रिक्वेस्ट है कि यार टेंट में बहुत ज़्यादा ब्लॉग जो है वो बना रहा था शेयरिंग के लिए, लेकिन आज का दिन मैंने महसूस किया है अपने फलस्तीन भाइयों के लिए, ठीक है। और ये मेरा ब्लॉग है ईद, यार इसको ज़रूर सपोर्ट करो, ठीक है। मैंने आपको हर चैनल में कहा है कि यार मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, लेकिन पता नहीं क्या बात है आप लोग छोटे बुजुर्गों को क्यों सब्सक्राइब करते हो। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है ये हमारी उन खवातीन नौ बहनों के लिए है, भाइयों के लिए है जो फलस्तीन में जहाद लड़ रहे हैं इसराइल के खिलाफ, और बेगुनाह शहीद हो रहे हैं। अल्लाह पाक उन सबकी दर्जात बुलंद करे जो शहीद हो चुके हैं, और अल्लाह ताला उनके अहलोयाल को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज आप अगर किसी के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो कल ये मुसीबत आप पर भी आ सकती है। तो मेरी ये सब भाई भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ यार दुनिया में हमें ज़्यादा रहना नहीं है, ना दुनिया हमारी जो है वो आराम का है, हमारी अपनी आराम का, अपने रब के पास जाना है। तो आज सब लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अपने तमाम मुसलमान भाई भाई फलस्तीन में जो लोग शहीद हो रहे हैं उनके लिए दुआएं मफ़रत करें, और उनके लिए जितनी नवाफिल अदा कर सकते हैं वो करें, उनके लिए जितनी अच्छे अमल कर सकते हैं वो करें, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए मुनाजात करें, ताकि अल्लाह ताला उनकी जो शहीद हो चुके हैं उनकी रूह को सारे सवाब करें और उनके अंत का मंजूर करें आप। और अगर आप जुर्म के खिलाफ कभी भी नहीं खड़े होते तो फिर गोया आप जुर्म का साथ दे रहे हो, लिहाजा आप लोगों को चाहिए इस वीडियो को भी शेयर करें, और जो लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे वो भी आपके साथ खड़े हों। तो प्लीज़ मेहरबानी करके मेरी इस वीडियो को फलस्तीन के हक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।